डोंबिवली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डोंबिवली में बस स्टॉप के पास खड़ी एक बस पर गुलमोहर का पेड़ गिर गया, जिसे बस पूरी तरह से रुक गई है। बता दें कि तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है और उसके बाद रास्ता को साफ किया जाएगा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में खड़ी बस में कोई यात्री नहीं था, इसलिए किसी को चोट नहीं आई, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बस को मामूली क्षति पहुंची है। बता दें कि गुलमोहर के पेड़ की जड़ी मजबूत और पानी सूखने वाली होती है, ऐसे में पर्यावरणविदों का कहना है कि इन विदेशी पेड़ों को नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में गुलमोहर के पेड़ सड़क के किनारे स्थित है और यदि खतरनाक पेड़ है तो बड़ी शाखाओं को काट दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में पेड़ गिरने की शाखाएं बिजली लाइन पर न गिरे और कोई अन्य बड़ी दुर्घटना न हो। बता दें कि आज सुबह करीब 8 बजे ये मामला सामने आ रहा है डोंबिवली से, जहां पर बस स्टॉप के पास खड़ी बस पर एक पेड़ गिर गया, जिससे बस पूरी तरह से रुक गई है। गनीमत इसमें यही बात है कि इसमें बस में कोई यात्री नहीं था, इसलिए इस किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बस को मामूली क्षति पहुंची है।